दोस्तों, DBS बैंक ऐसा एक बैंक है, मुझे सब बैंक से बहुत अच्छा लगा। मेरा पास बहुत से बैंक अकाउंट है, कितना दिखाऊँ और कितना बताऊँ। ओके, आगे भी कितना ओपन करूँगा तो पता नहीं, वीडियो बनने के लिए। DBS बैंक बहुत अच्छा बैंक है, मैं 1 साल ए बैंक को यूज़ किया, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो इस बैंक का एक फ़ायदा क्या है आप लोगों को बताता हूँ। मोबाइल नंबर दिन में 3 बार चेंज कर सकते हो और गूगल पे फ़ोनपे खोल के न्यू न्यू मोबाइल पे आप ऑफर को लौट सकते हो। दोस्तों, ऐसा बात नहीं, DBS बैंक पे पहले आपका अकाउंट है और KYC नहीं हुआ, एक्सपायर हो गया, फिर आप लोगों को अप्लाई करने के लिए मिल जाएगा। तो यही आप लोगों को आज दिखाऊंगा, DBS बैंक पे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करता है दोबारा। तो यही आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोग प्लीज़ यार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। तो DBS बैंक मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग ओपन कर सको तो आप लोग को पता है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, और थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। DBS बैंक का एक ऐप से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को ओपन करना है, पहले डालना है फर्स्ट नेम और नीचे डालना है आपका डेट ऑफ बर्थडे, आपका जन्म स्थिति। ओके, डालने के बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो देखिए, मैं अपना जन्म स्थिति डाल लेता हूँ, तो डाल लिया, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। बाद में डालना पड़ेगा मोबाइल नंबर और नीचे डालना पड़ेगा ईमेल आईडी, और रेफर कोड डालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, तो ईमेल आईडी डालने के बाद में आपको री ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, वही ईमेल आईडी, सेम ईमेल आईडी नीचे भी डालना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। अपना मोबाइल पे आएगा एक OTP, OTP को देना है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो OTP डाल देता हूँ, OTP डालने के बाद में फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो अभी यूज़र नेम बनाना है और पासपोर्ट बनाना है। तो यूज़र नेम कैसे बनाना है वही आप लोग को दिखा देता हूँ। पासपोर्ट तो आप लोग अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, और यूज़र आईडी जैसे तैसे डालने से होगा नहीं। तो यूज़र आईडी इसी तरह का बनाना है और सबमिट पर क्लिक करना है। तो लोडिंग हो रहे हैं, तो ये देखिए लोडिंग होके आ गया। फिर आप लोगों को डालना है पैन कार्ड का नंबर। ओके, तो पैन कार्ड नंबर डालने के बाद में फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अभी बैंक का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और आधार नंबर डालना है, आधार कार्ड का नंबर। ओके, आधार नंबर डालने के बाद में आप लोगों को टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और आई एग्री पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में देखिए आएगा एक OTP, आधार कार्ड का साथ में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा, OTP को देना है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो OTP डाल दिया, नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, तो वेरीफाई हो रहा है योर आधार। देखिए आधार वेरीफाइड हो गया। अभी डालना है हाउस ब्लॉक नंबर, तो आपका हाउस का नंबर डाल दीजिए और स्टेट एड्रेस डाल दीजिए और नीचे डाल दीजिए पिन कोड। DBS बैंक पे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करवाना है तो ऐसा पिन कोड मत डालिएगा। ओके, तो मैं अपने हिसाब से डाल लेता हूँ, देखिए क्या होता है। तो डाल दिया, फिर सेव पर क्लिक करता हूँ, देखिए सॉरी दिखा दिया। तो पिन कोड चेंज करना पड़ेगा और एड्रेस भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैं 100 डालता हूँ हाउस नंबर, और स्टेट डाल देता हूँ दिल्ली, यानी कि सिटी डाल देता हूँ दिल्ली, और पिन कोड डाल देता हूँ दिल्ली का। ओके, तो अभी सिटी हो गया दिल्ली और स्टेट हो गया दिल्ली। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और फिर सेव कर देना है। तो देखिए अभी आप लोग को सिलेक्ट करना है आप क्या करते हो, सैलरीड हो ना क्या हो, ये सब सबको सब लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं वाटर स्पाइस सिलेक्ट करता हूँ, और आपका इनकम कितना है मंथली का, या सॉरी दोस्तों आपका इनकम कितना है ईयर्स का वो देना पड़ेगा। तो मैं अपने हिसाब से दे देता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से दे दीजिएगा। आपकी आपको देना है मदर्स नेम, पहले डालना है फादर्स नेम, नेक्स्ट पे आप लोग को डालना है मदर्स नेम, आप सिंगल हो ना मेरिट हो डालना है, फिर सबमिट पे क्लिक करना। अभी देना है नॉमिनी, तो ड्यू डिस लेटर पे क्लिक करता हूँ। नॉमिनी मुझे नहीं देना है, अभी बैंक का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन को फिर देखना है, अच्छा से देखना है, फिर एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। ओके, तो एक्सेप्ट पर क्लिक कर दिया। अभी देखिए मीट एन एजेंट विजिट ब्रांच स्टोर, तो
आप ए अकाउंट को एजेंट के जरिए ओपन करा सकते हो, नहीं तो ब्रांच विजिट करके ए अकाउंट को ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो पहले तो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन हो जाता था इंस्टेंट, तो अभी नहीं हो रहा है। तो पता नहीं डीबीएस बैंक ने ये सिस्टम क्यों लाया, मुझे तो पता नहीं। अभी आप लोग को दिखा देता हूँ रेफरेंस नंबर कैसे लेना है। तो पिन कोड पहले डालना है, जो पिन कोड मैं डाला था दिल्ली का। ओके, तो पिन कोड डाल देता हूँ, फिर सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। अभी जो रेफरेंस नंबर मुझे मिला है, ए रेफरेंस नंबर का क्या काम है, एजेंट के जरिए आप ए अकाउंट को ओपन करवाना चाहते हो तो रेफरेंस नंबर लगेगा, और ब्रांच विजिट करके ए अकाउंट को ओपन करवाना चाहते हो तो रेफरेंस नंबर लगेगा। इसलिए रेफरेंस नंबर को अच्छा से आप लोगों को रख लेना है। जो भी डीबीएस बैंक पे सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, तो रेफरेंस नंबर को अच्छा से रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर रख लीजिए। ओके, तो वीडियो पे थोड़ा नॉइस आ रहा है, इसलिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, मेरा पास कोई स्टेडियम नहीं, आप लोग जानते हो। ओके, तो ओके आप लोग यही दिखाना था। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।